हम आ गए सबको खाना खिलाने के लिए। 30 तारीख से हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है, अब अंदर नागिन डांस चल रहा है सब। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग। जल्दी से सब प्रेजेंट लगा दो जो जो आ चुके हैं व्लॉग देखने के लिए। मैं अपने मेडिटेशन कर लेता हूँ थोड़ी सी, सर्दी में अच्छा लगता है धूप में बैठ के मेडिटेशन करनी पड़ती है। देखो कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, मेरे दोस्त आ चुके हैं, घर के बाहर लग चुका है टेंट और हो चुकी है सारी तैयारी। ओके लखन, तुम जल्दी से अपना हेयर कट कराओ, मैं भी साड़ी वाड़ी पहनूँ। नमस्ते, मैं भी साड़ी पहनूँ और रेडी हुए फंक्शन के लिए। घर से तुम खूब खा कर आए हो, सोनी दीदी का भी खाना खा रहे हो। सोनी जी मारो, पागल है क्या? खा लो दीदी, खा लो, तुम्हारे लिए नहीं है वैसे पराठे। ए भाई बनेंगे, ये बना हुआ है, ले सकते हो। दही दे दो उसमें, गुड़ वो शक्कर डाल के। वेल भाई, सुबह सुबह पराठे पता नहीं कोई कैसे खा लेता है, मैं तो नहीं खा पाती, मैं खा के मजाक कर रही हूं। तो अभी मैंने अपने लिए ले लिए दही, कितनी सफेद दिख रही है, और ये क्या बोलते हैं इसको, पराठा। साथ में हमारे यहाँ शक्कर नहीं था तो गुड़ को पीसवा दिया, मतलब ये मुझे अच्छा तरीका लगा, गुड़ को पीस दो, शक्कर की कमी पूरी हो जाएगी थोड़ी बहुत, इसमें मिला के खाऊंगा मैं। बाद में भाई, तुम्हारा टीम तुम्हारी बात ना सुनता है यार। ओके बाय, सी यू। रेडी हो जाओ, रेडी होने जा रहे हैं। हमारे घर पर सुबह सुबह सारा सामान निकल चुका है, मेरे ठंड वाले कपड़े निकल रहे हैं क्योंकि ठंड आ चुकी है पूरी। पूरी कहाँ है? नहीं तो ये तो सारे मैच वाले हैं यार, ये देखो ना, ये बाहर निकले हैं, वो निकले हैं, तुम्हारे कपड़े कहाँ निकले हैं? और अच्छा पहले तो निकलवा ली तूने, फिर मुझे क्यों बुलाया तूने जब निकलवाई लिए पहले? तुम देखो तुम्हें इसमें से कौन कौन सा चाहिए, बाकी हम औरों को भी दे देंगे ना। ये किसका है? मेरा ये। अब तुम इसमें से देख लेना तुझे क्या चाहिए, तेरे निकल गए नहीं निकले? इसके भी निकले, इसके निकालूंगी आज। तुम्हें जो जो चाहिए तुम देख लेना बाकी सब। सो गाइस, आज इंडिया का मैच भी है फाइनल, जिसमें हमें चीयर करना है टीम इंडिया को, और आज इंडिया जीतेगी। बुआ जी घर आ रही है भात लेकर, जो भात वाली रस्म होती है ना बच्चे के मामा। नहीं तू गले पे, तू पता मैं गर्दन पे लटक रही है। सुनो सुनो, तुम्हें नहीं तो मैं गिर जाऊं, गिर जाऊं। मैं एक चीज बताती हूं, अभी ना मैंने एक वो बनाई है जिससे ना टैनिंग रिमूव हो जाती है, तो एक में मैंने रोहित के हाथ में लगाई, एक में मैंने सैंडी के हाथ में लगाई, दोनों के हाथ में फर्क दिखा, दिखाती हूँ दोनों को बुला के लाना। यार क्या ये DIY एक्सपेरिमेंट करती रहती है घर पर ही, क्या हो गया? इधर जल्दी आ, जल्दी हाथ दिखाओ, ये देखो इस पर मैंने वो लगाया, ये इसका हाथ है, तुम दिखाओ सच्ची, ये देखो, ये देखो कितना डिफरेंस है। अपुन इतने बोला कि मेरे पूरे हाथ पे, अरे भाई दूसरा वाला हाथ है इसमें तुमने लगाया है ना, ये वाला हाथ लगाया है, ये इसका नेचुरल हाथ है, नेचुरल हाथ। हां तो इसमें क्या फर्क दिख रहा है तेरे को? पीला हो गया, पीला हो गया, पीला हो गया। तो अब हम पुनीत ने बोला मेरे पूरे हाथ पैर मल दो। पुनीत तो तब मैं नहाने जा रहा हूं, बोला पुनीत को बोला। भाई एक करेक्शन है, भात नॉर्थ ने आ रही है, भात लेने नहीं, तुषार ने भी करेक्ट कराया मुझे। तो अब हमने लगा दी है पुनीत के हल्दी ऐसे को ऐसे भाई भाई असर कुछ ना हो भाई, सिखाओ फेस पे भी लगा देती हूँ। नहीं अरे हाँ, अरे नहीं 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 बहुत है, एक दूसरे हाथ में लगाओ। नहीं पहले लगाओ, और तुम अभी नहाने जा रहे हो, कर दो ना फेस पे भी लगा। कौन नहाने जा रहा है भाई, पूजा कर ली है भाई, मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने। बाय। स्माइल करके ऐसे करो, लगन पूछ लो। मम्मी एक मिनट लो, अभी बुला रही है। जैसा आपने देखा मैंने हल्दी लगा दी है पुनीत को, सैंडी को, और मेरी भी हल्दी लग गई है, तो लखन तुम्हें भी लगवानी है दोबारा? नहीं मुझे नहीं लगानी भाई, मैं तो बहुत सही हूँ ऐसे ही। तो भाई भात का न्योता देने वो आ चुकी है, सब लोग आ चुके हैं, हमने इनका वेलकम कर दिया, अंदर चलते चलो। हम सब लोग चल रहे लेने बुआ को, अभी रुक जा गेट गेट पे, अगर बुआ वाली पार्टी आ रही तो हमारी वाली पार्टी पूरी तैयार है यहाँ पे, हमारी वाली करनी पड़ी थी यार। अच्छा भाई ऐसा है, हम कहीं भी वो नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि आज कंपटीशन होगा, बुआ की तरफ से आएगी पार्टी और हमारी तरफ से आ गई पार्टी, आती और हमें ही शोर शराबा मचा के हमें गाली दे दे के चली जाती, लेकिन हमने पहले ही अपनी टीम तैयार कर रखी है। हमारे क्या परंपरा होती है कि जो गांव से लोग आते हैं ना, वो गाने जो गीत गाते हैं उन गीतों में भी मिक्स होती है गालियां, तो ऐसे वो देती हैं। कैसे रह जाए फिर हम, इसीलिए हमने भी अपने गांव के मंडली तैयार है, ये उनसे टक्कर लेंगे। मुझे तो भगा देते हैं वहां से, कहते बड़ी गंदी गंदी गालियां तू जाए यहां से, ऐसा होता है भाई। अम्मा तुम्हें तो सब याद करते रहते हैं, कहते हैं उन अम्मा को दिखाओ जल्दी, आ गई कैसी है भाई, ये क्या हो गया, उन्हें बिठा लेना सबको, तिलक लगा दिए अभी नहीं, अच्छा अच्छा आ रही आ रही, वो तैयार हो रही है, ऐसे बजाते थे भाई। आप देखो कितना बड़ा बैट लग गया, यहाँ पे कंपटीशन होगा हमारा, ये स्टेडियम है आज का हमारा।
इस स्टेडियम में कॉम्पिटिशन होगा, टीम बुआ वर्सेज टीम मामा। बुआ अपने यहाँ से लेके आ रही है यहाँ, बस वो मेकअप करा रही थी उससे, वो बंदा आई थी। वो आ गई है। अबे शाइबा जी क्या कहना चाहोगे, बुआ की टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी भाई, हमारी जीतेगी। चलो आओ फूफा जी आगे। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। फूफा जी लेकिन एक बात याद रखना, आज कॉम्पिटिशन है हमारा। अच्छा ठीक है, है ना, आज की वो आज टीम चठेरा वर्सेस टीम नंगलिया है। ठीक है, वैसे जीते कौन फूफा जी? तुम जीतोगे। फूफा जी को पता है हमारा जो अम्मा है ना, वो गालियों में परफेक्ट है, प्रो है एकदम। नमस्ते कर रहा हूँ पहले ही, कह दूं मैं जीतने देना। कैसी हो बुआ? इतना ही वजन तो बुआ में भी होगा। ये तो मेरे को दे रहा। अरे भाई मैं तो अपने ही हूँ, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? इधर भी है। वो तो सब नहीं बचे लो, ये मिठाई तो खाओ। मैं भी हाँ, मैं भी हाँ। डाली बने में डाली में क्या होगा? आ जाओ भाई, स्वागत है सबका। आ जाओ। ये आप लोग अभी अंदर कर दो। ये सब ये। चलो। भाभू, भाभू। इधर सामने। लोग पहले आ गए चीटिंग करके वहाँ से। नहीं चीटिंग नहीं, हम ओरिजिनल हैं। हाँ। भाई यहाँ पे कितनी भी टीम हो, मैं तो टीम भाभू में हूँ, मैं तो भाभी की साइड। जैसे कौन कौन है हाथ उठा दो पहले, बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब तो मेरी तरफ ही आ गए। हम तो अपनी बहन के साथ है भाई। ना ना, हम इनके भाभी हैं तो हम तो आपके पार्टी में बैठे हैं भाई। जो बुआ का मेन तुरुप का इक्का, हमने तो वही अपनी पार्टी में ले रखा पहले से। अभी तक वहाँ तक नहीं, किसकी टीम में काम में लगा हुआ मजे से। क्रिकेट में कॉमन होता है ना, दोनों साइड से बैटिंग करता है, वो नहीं थे कॉमन यहाँ का। बुआ बैठने से पहले पूछ रहे की खो नहीं जाए, यहाँ पे समंदर हो रहा है आज पूरा। ये मेरी छोटी बुआ, बुआ तो एक ही है पर छोटी बुआ है। अब नीतू को पता है डांट लगती है तो पहले ही वीडियो कॉल बुआ को दिखा दी। बुआ अभी बता दो सबके सामने मत डांटियो फिर। नहीं लग रही है। अरे भाई पानी वानी मिलवा दिया। ये रूबी दीदी की बेस्ट फ्रेंड अकेली आ गई, रूबी दीदी लेकर नहीं आई। घर में कहीं आ गई क्या काम है? फिर तो बुरा हां, जो दुल्हन है वो घर के काम कर रही है, बाकी सब एंजॉय कर रही है। पागल नहीं आज का पहला गाना। तो आज का पहला गाना दीदी शुरू करेगी। जल्दी 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 भाग के आ जा, आ जा। फर्स्ट सॉन्ग बाय कीर्ति रावत। चल भाई चल। बुआ बुआ एक बार आज आज गाने की शुरुआत ये कर रही है, एक बार सुन लो। चल भाई चल। क्या गाना? गाँव वाले। नीतू कुछ तू भी गा दे। नहीं नहीं नहीं, क्यों वही गा दे, हमें तुमसे प्यार कितना। ये देखो हमारी ब्राइड सो रही है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है रूबी, तेरा ही फंक्शन है, तू ही सो रही है। बहादुर भाई यहाँ क्या तैयारी कर रखी है? हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें देख के बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। कितना सारा चाय बना दी, एक ये बना दिया है और एक इधर भी है। अरे कितनी चाय भाई, कुछ और भी खाने खिलाना पिलाना है? नहीं चाय पिलाना। इतनी सारी चाय, ये दो दो मिलीमीटर के वो है कप, कप का साइज इतना छोटा होता जा रहा है। कुछ दिनों बाद जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं ना ऐसे पिलाए करेंगे चाय, देख रहे हो? इतने सारे लोग, इतना सा कप, पहले इतना बड़ा होता था, इतना हो गया है।
गुड, यहाँ पर बर्फी और क्या क्या मिठाइयाँ तैयार है, तो मैं बाकी की तैयारी दिखवाने आ गया हूँ। नीतू को क्योंकि वहीं बिठाया हुआ है, मम्मी वहीं बैठी हैं, कोई एक जना यहाँ पे चाहिए, समझदार सा चाहिए था, तो इसलिए मैं आ गया, वरना दीदी को भेजता। वंदना कहाँ जा रही है? इधर इधर डांस करते इधर। ये कैसा डांडिया है? चलो उधर पूरा डांस करेंगे। बाबू के सामने घर की दूसरी शादी है। बाबू करा यार, ये सब कहीं देखा है मैंने, पहले ही पहले भी हुआ था। चलो अम्मा का डांस बताओ। अम्मा का डांस बहुत खतरनाक है और डांस से ज्यादा अम्मा के एक्सप्रेशन। अम्मा का पल्लू नीचे नहीं जाना चाहिए। ये है हमारा बहुत ही प्यारा दीदी का बेटा, सावित्री दीदी का बेटा। और सबके लिए चाय अब मैं लेकर जाऊंगी सबके लिए बाहर। किसी को लगा इसमें कप है? मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ कि भाभी चाय देंगी, लाओ ऐसे। नहीं नहीं रहने दो, मेरे मुंह पे बाबू काम करके हम जा रहे चाय पा रहे। मटरी देने, मटरी नहीं मट्टी। ये मट्टी है, मट्टी सेट कर दे भैया इनके बाहर है। हम ये यहाँ रख रहे हैं क्योंकि बाहर आके सब खाएंगे पियेंगे, अंदर स्पेस नहीं है ज्यादा, अगर सब गा रहे हैं इसलिए। हाँ मेरी साड़ी में नहीं गिनना चाहिए। पता ये सब देखे ना मुझे, क्या मुझे आपकी शादी याद आ गई। मेरे को तो पता नहीं शादी में मैं तो थी नहीं, अपनी शादी में ही नहीं थी मैं तो। तो भाभी बोल रही है जब भाभी की शादी थी भाभी ने ऐसे नहीं देखा था क्योंकि सब भाभी बहू बनने वाली थी, तो गर्लफ्रेंड से भाभी तक का यही ट्रांजिशन होता है कि आप दो दिन घर में नहीं आ सकते। हाँ दो दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं आई थी मैं तो। हाँ बहुत पहले से हो गया था मुझे याद आया, एक हफ्ते से भी ज्यादा। मुझे याद है भाभी मिलने आई थी बाहर। चलो बाहर आई बाहर से मारी चली। चलो डांस करेंगे। अभी काम खत्म हो गया था, अब काम हमारा खत्म, यहाँ पर सब लग गया नाश्ता। हम चारों डालते हैं, डांस करो पहले। चलो ये तो खाना खाने चलेगी सीधा। चलो भाई हाँ बेटी और काम तो कर ले पहले। कुछ पहले उन्हें कुछ खिलवाएगी बिलवाएगी, डांस वही लगाई रहेगी। मैंने रख दिया सारा सामान। हाँ डांस करो थोड़ा सा, चलो डांस कर देगा। हाँ चलो हाँ हाँ सीधा डांस सीता डा। चलो अंदर करेंगे। आवाजा पहले यहां। अरे यहाँ पर लग दिया, मैं आ रही हूँ अंदर। आवाजा पहले आ रही हूँ। हाँ अंदर जा रहे हैं। तो हमने बाहर चाय रख दी है, अब सब गाना बजाना हो रहा है, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। कंजी क्या कंजी को चाची बुला रही है, घर की चाची सबको बाहर बुला रहे हैं। बाहर चाय खाना खा लो, कुछ नाश्ता कर लो। चलो चलो चलो। तो अब हम लोग सबको लेके जा रहे हैं बाहर खाना खिलाने के लिए। आ जाओ इधर से। नहीं अरे यहीं से। अच्छा ये कहीं पर भी दिखे जा रहा है। दीदी ने मेरे लगा दिया, मैं ऐसे ही घूमूंगा यार। बहन की तरफ से कुछ भी मिले भाई को रख लेना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही भाई की साइड से कुछ मिले मुझे लाओ। ले नहीं कुछ और लगा। हम लोग फालतू में डांस करते हुए जा रहे हैं। मैं रिहर्सल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हराना है सबको। भाई आप सबने देखा होगा, सब सारे जो घर के फंक्शन होते हैं ना उसमें एक फूफा ऐसे होते हैं जो मुंह बना के बैठे रहते हैं। हमारे हमारे फूफा ऐसे है ही नहीं, तो आज ना ना मैं नहीं कह रहा। अरे फूफा तुमने सुन ली, मैं तो कह रहा हमारे फूफा ऐसे है ही नहीं। तो आज मैं कोई नहीं, नहीं, नहीं। मैं किसी को स्पेशली टास्क दूंगा कि भाई आज आपको मुंह बना के बैठना है। फूफा तो ऐसे है ही नहीं, तो किसी और को देना पड़ेगा। नहीं नहीं किसी को नहीं देना। तो भाई ये रहे हमारे फूफा जी। बहुत यार गलत बात है, सारी शादी ब्याहों में या फंक्शन होता है ना उसमें घर वालों में फूफा ऐसे होते हैं जो मुंह बना के बैठे रहते हैं। हमारे फूफा ऐसे है ही नहीं। अब ये काम मैं किसी और को दूंगा। नीतू हमारे क्यों नहीं बैठते कभी भी? हाँ पहले जब शादी थी ना लखन ने मुझे ये बात बोली थी कि फूफा जी, मैंने कहा फूफा जी को खुश करना ऐसे कुछ होता है, एक वो होता है। कह रहे फूफा का मुंह नहीं बनना चाहिए शादी में, लेकिन हमारे फूफा का बनता ही नहीं है। हाँ, वो खुश ही रहते हमेशा। आज मैं किसी और का बनाऊंगा, रुको। किसका? चाची को ही दूंगा टास्क। वैसे इसका इसको तो देने की जरूरत नहीं है, तो पूरे टाइम मुंह बना के रहती है। जा कुछ खा ले जा। मेरा मुंह तेरे को देख के बन जाता है। खा पी रहे हैं भाई, अब हम लोग पीछे जा रहे हैं, सबको सर्व कराएंगे हम यहीं पर फूड। तो हम लोग जा रहे हैं, सब लोगों को खाना खिलाना है। चलो चलो भाई हम आ गए सबको खाना खिलाने के लिए। आराम से दीदी आपकी चाय गिर जाएगी। तो गाइस उधर बहुत भीड़ थी, हम लोग पीछे से आ गए। हमें सबसे पहले खाना खुद चाहिए। दो दो मिठाइयाँ खाइए। अरे नीतू बुफे है रख दे, जिसको चार भी खानी हो चार खाएंगे। नहीं मैं मिठाई अपने हाथ से लूंगी। गलत बात है यार, गलत बात। दीदी को चार मिलेंगी सच में? चार दे दी हुआ हुआ, चार कप पी लिए तुमने अब तक? पहली बार आज कोई झूठ बोल लिया यार। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो अभी लास्ट में एंट्री हुई है, जबरदस्त एंट्री। अरे पैर अब छू रहा है वो।
क्योंकि अब आया ना असली में, तो असली किरदार में देखो भाई कितना स्मार्ट लग रहा है पुनीत। वाह भाई वाह, ये भी करना है चालू। वाह पुनीत वाह। आ तुम कुछ खा लो पहले। जी कैसे लग रहे हैं? जैसा उसका रंग है ऐसे कुर्ते का रंग बना दिया। नहीं तो ऐसा मेरे से डार्क वाला लाइट है। अच्छा तेरा डार्क है मतलब कलर, ये लाइट है, ये यूं कह रहा है। तो सब अच्छे से खा रही है, देखकर मुझे खुशी हो रही है। और रिक्की का भी मन कर रहा है खाने का, लेकिन रिक्की खाने से लेट नहीं आ गया, वो तो खाने का खाए जा रहा है। मम्मी ताना शैतान ना हा ना ना, मैं हम मामा जी सोच रहे हैं जब ये टीम चेंज कर ली थी जल्दी। पुनीत का रंग साफ हुआ है बस, मैं बाहर निकलने देती ना, मैंने निकलने देती। आवारा कर दी कम हो गए भाई, इतना ब्रेक लग गया है। मैं फूफा जी से पूछ रही हूँ, रूबी दीदी क्यों नहीं आई, जिनकी शादी है वो क्यों नहीं आई यहाँ पे? आते बेटा, वो नहीं आते, ऐसा क्यों? पुरानी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में, तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ये होता नहीं है वैसे। मगर दुल्हन नहीं आती है ये, लेकिन हम शादी में खूब डांस करेंगे है। तो जिसको शादी नहीं पता, रूबी दीदी की शादी 4 दिसंबर को है। फंक्शन 31st है या 30th से स्टार्ट हो जाएंगे? इस मंथ 31st है, 30 तारीख से हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हम बहुत रॉक करने वाले हैं शादी में। वो जी आप क्या पहन रहे हो शादी में बताओ, क्या पहनो? कुर्ता। पुनीत का कुर्ता कैसा लग रहा है सही बताओ? बहुत बढ़िया, बढ़िया। बताओ किसकी पसंद है फूफा जी? ये तेरी पसंद होगी क्या चीज ये कुर्ता? पहले कुछ पहन के आ गया मैंने, बोला ये तुम्हारे लिए जो कुर्ता है तुमने वो नहीं पहना है, वही पहनना है। अरे अब तो खत्म फंक्शन, मैंने कहा अभी स्टार्ट हुआ है पहन कर आओ, तो आधे घंटे में आया पहन कर। भाई सबसे ज्यादा मदद रिक्की कर रहा है, वैसी मदद नहीं, खाना खत्म कराने की मदद, ये भी अपने आप में खाना बेचते होना चाहिए। हाँ हाँ कर कर कर, बहुत बढ़िया। एप्पलों की बोलने लगा मेरा फोन है, कौन सा? अरे यार अजय भैया मैं फिर गिफ्ट लाना भूल गई, घर वाली रखा है मैंने लिया हुआ पक्का। हाँ क्या चीज़? आप शादी में वही पहनोगे? ठीक है, क्या लिया रखा है? मुझे लिए कुर्ता लिया मैंने, इस साइज का मिला नहीं, वो टेंट में से बनवाया, टेंट के कपड़े। नहीं नहीं मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया भैया के लिए। ठीक है रूपा दीदी की शादी में आप वही पहनोगे? पक्की बात? नहीं रूपा जी आपके सामने कह रहे हैं, तू बढ़िया सा ना ले तो फिर कैसे पहनेंगे? बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया है, तो फिर तो पहनेंगे। शादी लाया क्या बिल्कुल भैया को, कोई ना पसंद कर ले? अब कोई पसंद ना करे? क्यों क्यों क्यों? अब तो क्या सेल भी खत्म हो गए, अब सब चले अंदर डांस स्टार्ट करने के लिए। चलो डांस नहीं कॉम्पिटिशन, जो खाया है उसे पचाने। अच्छा जो खाया है उसे पचाने, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है गीत। चाची और मैं डांस करेंगे। चाची आज तो आपको भी गाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, कुछ तो गा दो चाची। कैसा गाना चलेगा यहाँ पर? बॉलीवुड टॉलीवुड कुछ भी, तो बजाएगी तो मैं गाना गा दूँगी। नहीं तो बजा दे ढोलक, यूट्यूब पे बजा लेंगे, बजा तो सही कर मत तो सही, नहीं तो बजाएगी और लखन नाचेगा। वो मैं क्यों नाचूंगा यार? भाई चाची को और मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है मैच शुरू होने का, टॉस कौन जीतेगा क्या क्या होगा। मैं चाहता हूँ इंडिया पहले बैटिंग करे, कम से कम 400-450 रन बना दे। सेम यार, मैं भी यही चाहती हूँ, और उनको जल्दी से आउट कर दे ताकि अपना 5-6 बजे में एंजॉय करने लग जाए। अभी गाने चल रहे हैं और डांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ और खाने में क्या क्या है और क्या क्या बन रहा है, और लखन को भी देखती हूँ। जितना भी बाहर खाना गया था उसमें से इतना ही बचा है, छोटे इतना बच गया है। और क्या है ममता दीदी कुछ खाने के लिए क्या बन रहा है बाहर? आलू की सब्जी पूरी तो बन रही है, इतना तो मुझे पता है। आ जाओ, हमारी सोनी दीदी ने चेंज कर लिया है क्योंकि सोनी थक गई है। हमारी सर्कस के घूम रही थी, क्या हुआ? वो तो यार वाह भाई, मैं तो इंडिया का मैच स्टार्ट हो गया है। मैं सेम इसीलिए, इंडिया की पहले बैटिंग है वैसे भी यार। बैटिंग है बॉलिंग है? पहले बैटिंग है। बैटिंग। नमस्ते, हमारी आंटी आ गई, बहुत प्यारे हैं दोनों बच्चे, थोड़ी लेट हो गई है बस अंदर तो गाने का शुरू हो गई है। मैं बताती हूँ जो भी गेस्ट आ रहा है ना यहीं से डांस करते हुए जा रहा है। अच्छा उधर से चलो आंटी, हम डांस करा लेके जाएंगे। आंटी मैंने चेंज भी कर लिया, बहुत लेट आयो। आंटी बोली राखी और अरे पता है बहुत ना जाम लग रहा था, आज वो है ना पूजा कुछ है, आ जाओ। क्या कर रहा है? ये रास्ता बंद है, डांस करना स्टार्ट करो तब खुलेगा। आंटी जी वहाँ पर ना थोड़े से ना वैसे गाने बज रहे हैं एंटर वाले, हमें देसी बहुत देसी, इसलिए मैं वहाँ पर बैठी नहीं, मैं उठ के उधर आ गई। और हमारे बीच आ जाए फ्रूटी भैया, हेलो बोलो सबको। हेलो भाभी आप इतनी लंबी कैसे हो गई? हील की वजह से लंबी, चलो बराबर में खड़ा नहीं हो रहा भाई इन दोनों को। फ्रूटी भैया आते ही बच्चे को गिरा दिया और धक्का दो मुझे, मैंने इनको कहाँ धक्का दिया ब्लॉग में भाई। अरे भाई वापस जाके रखो भाई, अब हाँ आंटी डांस करते हुए चलो, वही डांस नहीं यार, चलो चलो फ्रूटी भैया डांस करते हुए, सभी अंदर एंट्री है जो डांस करता हुआ जाएगा। हेलो बोलो,
इतना प्यारा सा दांत है छोटे छोटे से। भाई दोनों चीज जरूरी है, बाहर जो चल रहा है वो भी जरूरी है और यहाँ इंडिया का मैच चल रहा है। हाँ भैया थोड़ा बैलेंस बना के रखा हुआ है, पर एक हाँ अंदर ही बैठे हुए नहीं, एक जना तो चाहिए भाई घर का। वहाँ भाई आज के दिन सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्यों रिक्की? मेरी तो हर बॉल में ऐसे हो जाता हूँ। देखिए भाई क्या कर रहे हैं बार बार, भाई देख भी रहे हैं, फिर हमसे हर बॉल का हमसे पूछना क्या हुआ। सबसे आगे भाई बैठे हैं, देखेंगे फिर अरे क्या हुआ ये क्या हुआ। अब भाई कमेंट्री भी बहुत अच्छी कर रहे हैं कैसे। हाँ नीतू हाँ तू साड़ी में नहीं बैठ पाएगी ना, बैठ जा उधर, बैठ जा आराम से, आज अपने इधर बैठ जाना। अरे नहीं इधर आ जाना भाई, डांस स्टार्ट हो गया भाई, डांस स्टार्ट। अब मैं जा रही हूं डांस करने। दीदी को ढूंढ रहा, प्यारा बच्चा बैठा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा शीर हमारा। तो भाई डांस करके बहुत अच्छा लगा, अब मैं वेट कर रही हूँ दोबारा डांस कब होगा, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं हुई बैठने की, तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन डांस करके अच्छा लगा, मजा आया। दीदी आपने मिस कर दिया, भाई अब खाने की बारी आ गई है, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, तो मैं तो घर जा रहा खाना है, पता चला यही है भाई। वो देना किससे करूँ, पर्ची वगैरह नहीं है कुछ? भाई शादियों में और फंक्शन में आपको फेवरेट खाना का है मुझे बताना, मेरा छोले चावल सबसे बेस्ट, मैं जाके सबसे पहले छोले चावल खाता हूँ हर बार। चलो अब चलते हैं, सब खाना खा रहे हैं देखने के लिए कि सब क्या क्या खाना खा रहे हैं। हाँ भाई क्या हुआ, लक्ष्य कहाँ है? चौथा तो नहीं हुई ना, अब लखन को देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। गाना बजाना, गाना बजाना बंद, अब खत्म। क्या अपडेट भाई? अपडेट ये अभी 3 विकेट है। ओके पर ये यार मैच बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब फाइनल की तरह चल रहा है, वन साइड हो जाता मजा भी नहीं आता। सुधीर बोलो कितने अग्रेसिव, ये बैट बैट प्लेयर को डाल रही है और तेज नहीं खेल रहा, ये धीरे खेल रहा है, मतलब इसे कितना आसान है। हां यार ऐसे लोग मुझे ना बड़े अजीब लगते हैं। कोहली के होंगे 300 और बाकी टीम के 100, 400 पूरी टीम। कोहली अपना 300 बना के ही, कौन सी दुनिया में होगा अभी, खत्म ही मैच वहीं पर होगा जब कोहली 300 बना लेगा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग भी करने नहीं आएगी? नहीं आज नहीं आएगी, वॉक ओवर दे देगी। कितने ओवर्स हैं इस बार? 50 ओवर। ओए वाह नीतू वाह, जस्ट अभी हमारे YouTube पे 6 मिलियन हो गए। आ जाओ लखन बाहर चलो, ये सेलिब्रेट करते हैं। चलो 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 आ जाओ दीदी, मैच देख हम सबको बताएंगे हमारे 6 मिलियन हो गए हैं। चलिए वो तो होने ही थे। अच्छा चलो चलो चलो, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो तो भैया होने ही थे। नहीं भाई हमारे पुनीत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, ये हाथ ज्यादा अच्छा नहीं था। लक्सु आओ देखो पुनीत ने मुझे क्या बोला, लक्सु कि भाभी आपने आज वो गोल वाला टायर नहीं पहना हमारी नथ को। टायर वो मैंने इसलिए, ओ शिट वो गिर गया। अरे यार मैंने नोज पे ही इसलिए लगाया था ताकि वो मैं नथ पहनूं, लगी तो नहीं, ये रोता नहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा लग भी जाएगी जब तक। टेस्ट मैच में कितने ओवर होते हैं हमें बताया ना आपने? टेस्ट ओवर में होते हैं, टेस्ट ओवर टेस्ट T20 में होता है 20 ओवर, और उसमें तो 50 वनडे में, 50 और टेस्ट में, टेस्ट में T20 ना। यार मुझे मैच के बारे में कुछ नहीं पता। चलो कोई मैं पूछूंगा, अभी मैं आपकी समस्या नहीं बढ़ाना चाहता। पुनीत कहाँ गया, भाग भी गया? मोजी कहाँ है? आया आया, प्रजा को खुश करने आऊंगा अभी। भाई हमारे उस पे लकी ब्लॉक्स पे जस्ट अभी अभी 6 मिलियन हो गए, 6 मिलियन हो गए हमारे, 6 मिलियन बिल्कुल अभी अभी लकी ब्लॉक्स पे। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल अभी तो ये पार्टी उसी के लिए है, ठीक है। सब खाओ, फिर मैं कहीं पार्टी नहीं दी, सबको पार्टी दे दी, मैंने हर चीज को खुद फायदा उठा लेता है, सबका पार्टी, ठीक है। मैच अच्छा लग रहा है बुआ, बुआ तुम अपनों को भूल जाओ। नहीं बेटा ये तो सबसे घर सही है, दोनों ही बहुत सुंदर हो, ज्यादा जोड़ी बाकी में हो, दोनों ही बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो दोनों। बुआ ने कह दिया एक दूसरे की सान हो, कह दी ज्यादा अच्छा मैं हूं, तुम हो अच्छे, दिल का भी अच्छा होना जरूरी है। चेहरा नहीं होता, दिल का भी अच्छा होना जरूरी है। तो मुझे क्या कहना चाह रही थी बता। तुम दोनों अच्छे, दोनों थैंक यू मैं सस्पेंस में रहता नहीं है।
बुआ खाओ तुम खाओ, मैं जब तक लोग नहीं खा लेंगे जब तक मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल। पहले खा लिया है, स्टार्ट होने से पहले खत्म खा लिया। ऐसे हो सके खाना ना खा कर तू इंतजार कर किसी का? सबसे पहले चेक करा मैंने, जब तो दूल्हा बनने जा रहा ना जब भी तने इंतजार ना करा किसी का। मैंने सबसे पहले चेक करा अभी कि खाना सब ठीक है या नहीं, पूछ ले पुनीत से, पुनीत भी चेक कर गया। पेट में की बात लगा लिया, पेट भाभी भाभी को कभी कुछ नहीं देगा मेरा, थोड़ा सी वो भाभी बुआ जी थोड़ा सा देख लो आज हमारा लौंडा लग रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा देख लो, है देखो जब आपका भैया स्मार्ट है लौंडा देख लो। मैंने वो देखी तो तुम्हारी बिग बॉस वाली कल, हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी अच्छी लगी। अभी और आएगा बिग बॉस वाले का भी, सारे वर्ड बहुत बढ़िया, ये इतना इसमें कटिंग हुई है, हंसे ज्यादा मुझे बहुत मजा आया। मुझसे भी लड़ जाएगी जो मैंने तेरी उतना भी बुराई कर दी ना इतनी भी। आप देखो इसका मतलब भी मेरी बुराई कर दी। मैं एक चीज बता रहा हूँ तो एग्जांपल, हाँ एग्जांपल जैसे मैं तो मैं बुरी है, काली सी है, कंजी आंखों की है, हाँ ऐसे तो फिर उसका तो मैं तुम कौन हो उसके खिलाफ बोलने वाले? मैं दुनिया में दो लोगों की बुराई नहीं सुन सकती, एक तो नीतू की, ये बहुत बड़ी फैन है हमारी भाभी जी, एक और इन्फ्लुएंसर है उनकी, उनका नाम हम यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं सॉरी, बट आप मैं भाभी को उनसे मिलवाऊंगी। ठीक है भाभी हमारी बहुत अच्छी है लेकिन भैया हमारे थोड़े ठीक नहीं है, भाभी जी को कहीं पर भी लेकर नहीं चलते हैं। ऐसा क्यों नहीं? तो आप बताओ शादी के बाद चेंज हो जाते हैं लड़के ऐसे? मैंने ना ऐसा ना भाई ऐसे ही ना आप उन्हीं में से एक हो। आप क्यों लेके आए भाभी को फिर? मैं यहीं आना तो इस वजह से ना लेके आया। जब बस आई पूरी तो उसमें भी तो आना ना, वो बस आई है नगरिया को, वो नगरिया आ सकती है, नगरिया से फिर वो यहाँ आ जाती ना, उल्टा फट जा रहा। सबसे सीधी बात है इनको लेकर आना ही नहीं था। अच्छा नहीं तो हाँ ये बहुत ही गलत बात है आपकी, इसलिए आज मैं आज से भैया से बात नहीं करूंगी जब तक हमारी भाभी नहीं आती। चल चल एक सेकंड, ना ना वो आम पापड़ का है, वो तो जब ही आ रहे थे दूर 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 ए दूर हमारे नीतू है। सही बोल रहा है बिल्कुल, कहाँ है आम पापड़ का? ब्लॉग मैं ही एडिट करता हूँ, सब चीज याद रहती है। अरे तू तो मेरी लड़ाई करवा देगा नहीं तू? नहीं नहीं हाँ ये लड़ाई करनी है भाभी, अब तक कम हो रहा ना, अब कम हो रहा भाई, कम का हो रहा। देखो ऐसा करो कर दे सीधी है ना, अब देखो ये लखन देखो ये देखो ना ये देखो, रुक जाओ देखो यहाँ से उठा ये देखो ऐसे ऐसे बोलने वाला, ये नीचे से दिख नहीं रहा है ना? हाँ क्या मैंने बोला आज मैं आज से मैं शाइबा से बात करूंगी क्योंकि जो भाभी को लेकर नहीं आते कहीं भी जाते हैं। यू बात तो है शाइबा में, ऐसा क्यों शाइबा अकेले अकेले क्यों चलते और जगह? मैं कहा अकेला चल गया, अब देखा निम्मी की शादी में क्या कहें, भाभी आएगी आएगी। रसगुल्ला मुझे तो नहीं दिख रहे मगर रसगुल्ला हमारे भाई ने आज दो दो रसगुल्ले खा लिए ना भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अभी एक और खा लूंगा भाई। आप मैच नहीं देख रहे, तीन दिन आउट हो गए। मतलब रसगुल्ले खाने के लिए मैच देखूं? नहीं ले ले ना तो भी। हाँ। भाई की छुट्टियां ना कहीं से बोलो, मैं छुट्टियों को बैठा रही हूँ। समझ रहे वैसे छुट्टियां खड़े होने किसी के लिए बोल रही है, गुस्सा आ जाने को, गुस्सा आने के लिए छुट्टियां खड़ी हो गई। छुट्टियां खड़ी होनी नहीं है। अच्छा मैं समझ गई, गुस्सा आने गुस्सा मैं सही यूं कर रही है, गुस्सा नहीं आए, बैठ जाए गुस्सा बैठ जाए। आज आएगा ही नहीं, आज नहीं, आज बहन भैया बहुत काम है, आज गुस्सा आना क्यों? पूरा परिवार ही मेरे जो डांस हो रहा है इस बारे में नो कमेंट हमेशा। कहते ना बेटी को छोड़कर तो ये रो तो इसलिए रहे थे वहाँ पे कि मतलब बेटी को छोड़कर तो रो रहे थे ये वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। दो बोतल भी पकड़ी हुई थी तो हाथ तो लाल हो ही जाते हैं वहाँ पे, तो हम आगे आगे जा रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं, तो हमने सोचा रिकी कहने लगा मम्मी पापा इसलिए रो रहे हैं कि बोतल ना किसी ने ले रखी, पापा के भग गए बच्चे एकदम जाते बोतल ले लाओ पापा हमें दे दो हमें दे दो, इसलिए बच्चे में हेल्प नहीं कर रहे मुझे लेके। अच्छा पापा अच्छा मुझे वैसे बच्चे वहाँ छोड़ गए लंदन, इतनी दूर छोड़ जा रहे हैं हम एयरपोर्ट, तो दिल तो भरी हुई जाता है। ये थे हम आए तो पांच छह जने थे, जा रहे हैं वापस हम पांच ही बजे को छोड़ चले। यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है, अब अंदर नागिन डांस चल रहा है, सबने खाना खा लिया। बुआ जी आप कैसे करोगे नागिन डांस? मेरे पुत्र नहीं देखो आंटी कितना अच्छा कर रही है, देखो यहाँ पर माहौल बन चुका है डांस का, दिखाओ जी।
अभी नहीं, ये पता नहीं डांस करना, मुझे शर्म आ रही है, सब एक ही तरह देखेंगे। गाइस मुझे थोड़ी शर्म आ रही है इसलिए मैं अंदर छुप गई हूँ ताकि मुझे लोग बोले ना डांस के लिए, क्योंकि इनके डांस आता नहीं है। भाई देख लो लगन ने हमारी बेइज्जती करी है, क्या बोलना चाहोगे? भाई इसका इलाज तुझे ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए मॉम, क्या इलाज करती हैं आप? वो नहीं बताऊंगा। आओ भाई आओ, मैं और लगन अब जा रहे हैं डांस करने। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिस भाई मैंने लखन को ले लिया है अपने छांसे में। चलो चलो भाई चलो, चलो बाय बाय कर दो सबको। अब बाय बाय, अच्छा तो कौन जा रहा था अभी? अम्मा के लिए मैं जा रही हूँ, आप कह रहे हो? सभी अब तो अच्छा सब साथ में जाओगे वो आजी, आप जल्दी आना वो जी, अब तुम्हें आना है, अब तो तुम्हें ही आना है, वो तो सही है, तू तो समझदार है बहू। मुझे बता दी आज बहुत मजा आया, बहुत थोड़ा मेरा पेट गड़बड़ हो गया था जिस वजह से मैं डांस नहीं कर पाई थी, लेकिन हमने खूब डांस किया है ना, आपको कैसा लगा? अभी तो ये शुरुआत है, सोचो अभी शादी है, भात है और क्या क्या है ना, बहुत इंजॉय कर रही है, मेहंदी है, हल्दी है, संगीत है, मैं डांस सीखूंगी। अभी हम कल गोवा जा रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है, ठीक है अच्छा सीखूंगी। तो यहाँ वाला जो हमारा फंक्शन था खत्म हो चुका है, अब जाते टाइम उनको विदा देनी है, तो हम लोग अब विदा दे रहे हैं। गाइस घर बिल्कुल सुना सुना हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, तो कितना मजा आया आप सब से। हाँ हाँ ध्यान रख लो अपना, सच में बहुत अजीब सा लग रहा है, अभी से दिल टूट रहा है कि लोग जा रहे हैं। जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, अब आपको आना है प्लान से, ठीक है ना? खूब धपाल करने, खूब मस्ती करने, पक्का पक्का डांस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? बोला हाथ तो मिला दे भाई। तो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, इंडिया की बैटिंग खत्म हो गई है और इंडिया ने भाई मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा परफॉर्म नहीं कर, लेकिन अभी भी हम विश कर रहे हैं कि इंडिया टीम जीत जाए, हमें पता है विकेट इतना आसान नहीं है। हाँ आप लोग जब तक ब्लॉग देख रहे हो जब तक आपको मैच का रिजल्ट पता होगा, लेकिन हमारे अंदर अभी भी पेट में बटरफ्लाइज हैं, क्योंकि बस हम होप कर सकते हैं कि इंडिया जीते। चलें तो बस यहाँ से सबके जाने के बाद हम बस सीधा जाएंगे मैच देखने लग जाऊंगा मैं तो। मेरे को पैकिंग करनी है, तुम्हें पैकिंग करनी है? यस, क्योंकि आप परसों वाले ब्लॉग में देखोगे कि हम लोग हैं किसी बहुत बड़े सरप्राइज की तरफ, जो कि आपको परसों मिलेगा देखने को। सब जा रहे हैं लेकिन दुख हमें हो रहा है, तुम्हारा घर सुना सुना हो जाएगा, है ना? जल्दी आओगे फिर आप लोग, जल्दी आना, आप लोग आ गए, अब आप आना, अब हम आएंगे, हमें कब आओगे आप नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, जल्दी आएंगे, जल्दी आना। बनाओ ऐसे मुर्गा, तो टीचर तो कहीं भी मुर्गा बना सकते हैं। अरे पहले भी बहुत मारा है, जब मैं छोटा था, जब सब बस में बैठ जाएंगे तब मैं पैर छूने जाऊंगी सबके। हाँ वो सबको नंबर से हो जाएंगे ना काउंट, कौन कौन मिसिंग है, कौन कौन नहीं बैठा, अभी सब लोग आने वाले हैं, सबकी गिनती गिनूंगी मैं। चलो सब अपनी अपनी स्थान ग्रहण कर ले, अब भेजो भेजो को बाय बाय। अभी काफी लोग आए नहीं है, चल रही हो आप भी अभी।
कल मुझे गोवा जाना है कि सब आएंगे तो मैं सबको बाय बाय कर दूंगी वरना सब इधर आके उधर नजर इधर वाली है मेरे से तो हमारी बुआ जी आ गई ठीक है बुआ जी नमस्ते नमस्ते बाकी सबको नमस्ते हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ करना ऐसे ही खुश रहते मिलते हैं शादी में ओके बाय बाय बहन मेरी अब तो बुआ है पर बुआ बननी चाहिए ना इसको ना पर बुआ बना ये आशीर्वाद दे चलो बाय 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 अरे मुझे करने दो ना चल पर बाय 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 आराम से उतरिए जल्दी मिलते हैं बाय आराम से फूफा जी बाय नमस्ते फूफा जी बाय बाय हां करूंगी बाय चलो भाई यहाँ पर एक बस चली गई है अब दूसरी बस कहाँ है दूसरे लोग कहाँ गए वो तो गांव वाले हैं वो उधर वैसे जाएंगे अलग से तो ये लोग चले गए हैं बड़ा दुख हो रहा है लेकिन हम शादी में मिलेंगे इस चीज की खुशी भी है अभी आधे लोग यहाँ पर हैं अंदर प्रस्थान कर रहे हैं तो गेस्ट के जाते जो सबसे पहला काम रहता है वो है मिठाई खा लो यार मैं लड्डू नहीं खाता कौन सा लड्डू है वो है बूंदी लड्डू मैं ये खाता नहीं लड्डू मगर वो होता है जो शादी में बनता है गाइस पता है आज इन लोगों ने इतना डांस करा नागिन सॉन्ग पे जब डांस कर रहे थे हमारे साइड में सच में सांप आ गया मतलब घर के साइड में चाचा फोटो लेकर आए उन्होंने भी दिखाया जो बीन बीन नहीं बज रही थी यहाँ पे तो सच में सांप आ गया अब कोइंसिडेंस भी हो सकता है गाइस मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है टीम इंडिया मैच हार गई है जस्ट अभी बट वेल प्लेड टीम इंडिया बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में इट वॉज नॉट अवर डे इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सारे चैंपियन प्लेयर्स हैं यार पूरे टूर्नामेंट में कितना प्राउड फील करा है हम सबको सो आई एम वेरी थैंकफुल ट्रॉफी आना नहीं था अपने किस्मत में बट इतने अच्छी तरीके से खेले वो देख के बहुत अच्छा लगा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है अभी मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगा बाय प्लीज़ हाँ लाइक करना मत भूलना आप लोग भूल जाते हो यार प्लीज़ लाइक कर देना कमेंट्स में बातें करेंगे काफ़ी सारी बाय बाय टेक केयर कल मिलेंगे